इस क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं आ रहा। हाँ, इसमें कुछ आंसर में प्रॉब्लम है, कोई और स्टूडेंट ने मुझे बोला, पर वैसे कुछ नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, चार्ज गिवन है, प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड वी गिवन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालना है, क्या होगा? तो पाथ क्या होगा? हेलिक्स होगा, क्योंकि वी और बी में एंगल इसमें 90 है ही नहीं, तो हेलिक्स होगा इसमें, और एंगल कितना है? 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। अब देखने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस। हो सकता है आपसे गलती भी हो, आंसर सही हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें वाई एक्सिस में है और ये आपका एक्स एक्सिस है। पार्टिकल की स्पीड कितनी है? वी। कितने एंगल पर? 60 विद एक्स एक्सिस। अब हेलिक्स में एंगल किसके साथ होता है? बी के साथ। तो क्या आपने 30 डिग्री यूज किया? तो फिर तो आपको फिर 30 डिग्री यूज करना है, तो हेलिक्स इसमें कैसे मूव करेगा? ऐसे हेलिक्स होगा, हेलिकल पाथ बी के अलोंग होता है, तो हेलिकल पाथ बी के अलोंग होगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है हेलिक्स का रेडियस क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो ये देखो किया हुआ है मैंने इसमें, तो इसमें जो रेडियस होगा वो एम वी बाई बी क्यू, और वेलोसिटी क्या होगी? परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपका बी वैक्टर ऐसे है, आपका वी वैक्टर ऐसे है, और मैंने क्या बोला, एंगल क्या लेना है? 30। तो वेलोसिटी क्या लेंगे? वी इंटू साइन ऑफ 30, वी इंटू साइन ऑफ 30। तो जब आप रेडियस पुट करेंगे तो एम वी इंटू साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये रेडियस पुट करेंगे। ऐसे ही किया? ओके, फिर मुझे आंसर पता नहीं, बट जो भी आपका मेथड ऐसे ही रहेगा। अच्छा, 10 की पावर में फर्क है, फिर हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, मैंने कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं की हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों से हो गया? देखो 17 क्वेश्चन में दो चार्जेस जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन। सबसे पहले ये बताओ इन दोनों में से किसका रेडियस बड़ा होगा, एन का कि एम का? एन का, एन बड़े रेडियस में, एम छोटा सर्कल बनाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कह रहे हैं कि इसमें ये बताओ कि इसने बड़ा सर्कल क्यों बनाया इससे, क्या आप इसके कंक्लूजन निकालते हैं? तो रेडियस होता क्या है? एम वी बाई पी क्यू, और मास नीचे आ गया क्यू बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज छोटा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एन का रेडियस एम से बड़ा है, तो चार्ज टू मास रेशियो एन की छोटी होगी और एम की बड़ी होगी। तो एम की चार्ज टू मास रेशियो बड़ी होगी एन से, तो स्पेसिफिक चार्ज एम का बड़ा होगा एन से। तो चार्ज टू मास रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो समझ में आ रहा है कि इसका आंसर कैसे देना है आपने, ठीक है यहाँ तक? इसके बाद ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल जिसका मास क्या है एम, चार्ज क्या है क्यू, रेस्ट पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये मूव करेगा कितनी एक्सेलेरेशन से मूव करेगा? क्यू ई बाय एम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। तो जब ये एक्सेलरेट करेगा रेस्ट से, तो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू बाय एम, वेलोसिटी की वैल्यू क्या अटेन करेगा? वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो एक्सेलेरेशन की जगह क्यू बाय एम, तो यहां से क्या आ गया? वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से आंसर आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो आपने वी निकाल लिया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक? तो ये आपकी इस शीट के बाद जो नेक्स्ट शीट है 33 नंबर शीट। वैसे कितने लोगों ने ट्राई की है? क्यों ही है? ओके, तो इस शीट में इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल भी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसकी स्पीड कभी बढ़ेगी नहीं, उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भेज रहे हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। अ चार्ज पार्टिकल और स्पेसिफिक चार्ज एल्फा, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो एल्फा, वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट आई कैप, इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। देखते ही पता लग रहा है कि वेलोसिटी आई कैप है, एक्स एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड जे और के है, तो आई जे और के आपस में 90 डिग्री पे हैं,
इसका मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, तो सीधा स्ट्रेट वे आंसर, इट विल मूव इन अ सर्कल। साफ है, वी और बी अगर परपेंडिकुलर है, पता ही लग रहा है आई कैप जे कैप और के कैप से, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। समझ में आ रहा है यहां तक? लास्ट वाला ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कैसे आप कह रहे हो, आ रही है आपकी, आपका आंसर आ रहा है ऐसा? कैसे पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम दिस इज दिस, तो आपको कैसे पता लगा इसकी वेलोसिटी ये होगी? आपने निकाला टाइम, आपने क्या फॉर्मूला यूज किया इसका, ये कैसे करते हैं नहीं पता? अच्छा चलो, आप फिर मैं आपको नई प्रॉब्लम बताता हूं। चलो, ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई करो। वैसे तो मेरा आंसर सिंगल चॉइस में आ गया तो डन है, पर चलो एक नया क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इतने टाइम पे वेलोसिटी बतानी है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती कैसे है, ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं, क्या चीज चेंज होती है? डायरेक्शन। तो इस पार्ट का आंसर देने के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये कर लिया और डी पार्ट कर लिया, एक ही बात है। ये क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। द वेलोसिटी वी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 1/6 सेकेंड, तो टाइम इंस्टेंट 1/6 सेकेंड पर वेलोसिटी बताएं क्या होगी, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, सेम क्वेश्चन है। तो कैसे निकलेगी? जब भी इंस्टेंटेनियस टाइम की बात आएगी तो सबसे पहला फैक्टर आपके माइंड में क्या होगा, क्या चीज चेंज होती है सर्कल में? डायरेक्शन। डायरेक्शन में मैथमेटिकल बोलो, क्या फॉर्मूला निकालूं? डायरेक्शन डी आई आर ई सी तो लिख नहीं सकता, क्या चीज चेंज होगी मैथमेटिकली? एंगल ओमेगा टी। जब भी इंस्टेंटेनियस टाइम की प्रॉब्लम आएगी ना, एंड पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, तो एंगल यूज करना है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये पहले भी एक बार डिस्कशन हुई थी, इंस्टेंटेनियस टाइम ओमेगा टी ही करेगा। अब सपोज करो ये आपका पार्टिकल है, ओरिजिन से चला एक्स एक्सिस से, सर्कल में घूम रहा था। तो जब ये सर्कल में घूम रहा था, आपको क्वेश्चन में चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, वी गिवन है। तो एक काम करो, आप ना टाइम पीरियड निकालो, एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा पार्टिकल। तो एक चक्कर का टाइम क्या होता है? 2πm/bq, मास बाय चार्ज रेशियो गिवन है, तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 1 सेकेंड। तो ये एक चक्कर पार्टिकल कितनी देर में काटता है? 1 सेकेंड में। पर मेरे को क्या पूछा गया? टाइम 1/6 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालो। तो 1/6 सेकेंड पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो पक्की बात है पार्टिकल सर्कल तो कंप्लीट करेगा नहीं, वो कहीं यहां कहीं होगा, पार्टिकल कहीं यहां कहीं होगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अगर आपका पार्टिकल यहां कहीं होगा, टाइम टी इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे, तो उस केस में मान लो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है वी वेक्टर, और जिसने एक्स के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा। अब टेंजेंट में और रेडियस में एंगल कितना है? 90, ठीक है। और वैसे भी इस दो एक्सिस में एंगल 90, तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से थीटा। तो ये तो वैसे भी हमने किया था कि अगर टेंजेंशियल ये एक्स के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वी कॉस थीटा आई कैप और वी साइन थीटा जे कैप। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप वी साइन थीटा जे कैप। तो थीटा इज ओमेगा टी में, ओमेगा क्या होता है? 2π/T इंटू स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? 1 सेकेंड। स्मॉल टी क्या है? 1/6। तो कितना आ गया? π/3। तो यहां पर थीटा की जगह π/3, थीटा की जगह π/3, और वी को, वी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल गिवन है इसमें 10, तो यहां पर पुट करके ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो समझ में आया कि आज के बाद इंस्टेंटेनियस टाइम पे अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया तो कैसे आंसर निकालना है? तो ओमेगा टी से निकलेगा आपका। ओमेगा टी क्या है? एंगल है। एंगल यहां बनाना पड़ेगा या यहां बनाना पड़ेगा, एक ही बात है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, उन कंपोनेंट में थीटा पुट करना पड़ेगा और आई कैप जे कैप पुट करना पड़ेगा।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलते हैं? तो अब आप पिछले क्वेश्चन में चेक कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज और मास रेशियो अल्फा, स्पेसिफिक चार्ज गिवन अगेन, रिलीज फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से उसको रिलीज कर दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू वी नॉट आई कैप, तो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल पड़ा, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी नॉट के कैप, पार्टिकल पासिस थ्रू 0, y, 0, तो y इज इक्वल टू वॉट? आप मुझे इस चीज का आंसर दें पहले कि अगर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ओरिजिन से चल पड़ा, ये ओरिजिन है और ये कौन सा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बी वेक्टर कैसे है, के कैप, के कैप कहाँ होता है, बाहर, माइनस के कैप कहाँ होता है, अंदर, तो बी कैप ये रहा। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, आई कैप, आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, सर्कल कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे, मैग्नेटिक फोर्स बी कहाँ है, बाहर, वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ, बी बाहर, वेलोसिटी, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ है, नीचे, तो सर्कल कहाँ बनेगा इस बार? आप कहेंगे आज तक तो पॉजिटिव चार्ज का सर्कल ऊपर बनता रहा, आज नीचे कैसे बन गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो सर्कल भी उल्टा बन गया। समझ में आया यहां तक? चार्ज टू मास रेशियो गिवन ही है, अल्फा नेगेटिव गिवन ही नहीं है, चार्ज अगर कुछ ना गिवन हो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो यानी कि वाई, वो एक बात बताओ, जब वो सर्कल बनाएगा नीचे की तरफ तो वाई एक्सिस को यहां कट करेगा, यहां कट करेगा वाई एक्सिस को, जब यहां कट करेगा तो ये डिस्टेंस क्या माने जाएगा, 2r, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, डिस्टेंस की वैल्यू 2r। अब रेडियस होता क्या है, एम वी बाय बी क्यू, मास नीचे आ गया क्यू बाय एम, क्यू बाय एम क्या होता है, अल्फा, राइट तो ये क्या आ गया, रेडियस, तो रेडियस को डबल कर देंगे तो वाई आएगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें वाई निकलेगा, कोई डाउट इसमें? साइन इसलिए नेगेटिव क्योंकि आप खुद सोचो एक बार, अगर पार्टिकल ये देखो, अगर आपका कोई पार्टिकल यहां से चलता है क्यू, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, तो ये एक्स एक्सिस पे चला तो सेंट्रीपेटल फोर्स नीचे लगेगी, फ्लेमिंग के रूल से सर्कल ऐसे बनेगा, क्लियर है, सर्कल यहां बनेगा तो वाई एक्सिस को कट कहां कर रहा है, यहां पे, तो ये अगर सेंटर है, ये रेडियस है, रेडियस है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2r, कहां, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस जे कैप, ठीक। नेक्स्ट है अ चार्ज्ड पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड ई एंड बी, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, ई एंड बी। तो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और जो वी वेक्टर है वो ई के भी और बी के भी 90 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी 90 डिग्री पे है, तीनों आपस में 90 पे हैं, एंड कम्स आउट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी। कह रहे पार्टिकल एंटर करता है जहां पर ई भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है, और पार्टिकल सीधा ही एंटर कर जाता है और बाहर भी सीधा निकल आता है बिना मुड़े। हमने किया था केस नंबर 6, क्या कि अगर कोई पार्टिकल सीधा बाहर निकलता है तो वेलोसिटी क्या होती है उसकी, ई बाय बी, किया था। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने स्केलर में किया और ऑप्शन किस में है, वेक्टर में, हमने कभी वेक्टर में किया नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा कि वेक्टर फॉर्म इसकी क्या बनेगी, क्योंकि वी इज अ वेक्टर, ई इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर। अब ये तो है नहीं वेक्टर 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 कि डिवाइड कर दो, डिवीजन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता डिवीजन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन तो सुना है, डिवीजन नहीं होता। तो इसको लिखने का एक तरीका है, ये तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो फॉर्मूला कि वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर इज रिटन एज ई बाय बी इनटू ई कैप क्रॉस बी कैप। वो क्यों, रूल नंबर 1,
क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ई क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा वी, तो यानी कि वी इज परपेंडिकुलर टू ई एज वेल एज बी। मैंने यहां पर वेक्टर नहीं लगाया, इनके ऊपर कैप लगाया, वो क्यों, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, सिर्फ ई बाई बी। आप सोचें अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो इसका क्या है वन, इसका क्या है वन, तो वन इंटू साइन ऑफ जीरो जो कि क्या आएगा वन। तो यानी कि ये लगाने से डायरेक्शन पता लग रही है और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये याद रखें, इसको फॉर्मूला बना लें, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी का ये रहेगा, कब, जब ई और बी परपेंडिकुलर एंड पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा बाहर आ जाता है। अब मुझे पता है ई कैप क्या होता है, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बी कैप क्या होता है, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, वी वेक्टर। तो समझ में आएगा, ऑप्शन चलो मार्क कर ही लोगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, हमने किया नहीं था। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, यस, हाँ ठीक है। चार्ज पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल बाहर जब निकलेगा तो ऑब्वियसली यार यहाँ 90 पे एंटर करे तो 90 पे जाएगा, तो अनडिफ्लेक्टेड मतलब 180, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड पे राइट एंगल पे, तो राइट एंगल पे आ गया, बाहर भी राइट एंगल पे जाएगा, सबको पता है। द पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय, पार्टिकल इस पाथ पे आ रहा था, चला बिल्कुल ऑपोजिट, क्या आ ऐसे रहा था, जा ऐसे रहा है, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है 180, तो डेविएशन 180 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 90 ना पुट करना, इधर आना है और उधर जाना है फाइनली, तो आने और जाने में ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन में, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्स एक्सिस पे और वो नीचे मुड़ रहा है, शायद ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में भी था, पता नहीं है, या ऐसा क्वेश्चन शायद किया भी हुआ है। तो क्या कह रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चला गया, आपको क्या मार्क करना है कि ये ऑप्शंस क्या करेक्ट है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है, पार्टिकल क्योंकि नीचे जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन है, बी बोर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के साथ राइट फिंगर नहीं जाती, मिडिल फिंगर। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो मन में सोचो पॉजिटिव ऐसे जा रहा होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का है नीचे, तो पार्टिकल नीचे सर्कल बनाएगा। अब जब नीचे बनाएगा, अगर प्रोटॉन होता तो ऊपर बनाता, इलेक्ट्रॉन नीचे बनाएगा, नीचे बनाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और वी और यू का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में कोई चेंज लाता नहीं है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक। एट्थ क्वेश्चन ने किया हुआ, एट्थ क्वेश्चन शीट की प्रॉब्लम है, बी माइनस ए वाली, ये किया हुआ है, ठीक। नाइन्थ स्पायरल वाला, मुझे इसमें डाउट है नाइन्थ में, अगर आप इसमें आपको ठीक लगता है तो बताएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेरे को एक इसमें शायद मैंने गलत किया, मुझे अपनी गलती नहीं मिली अभी तक, मैंने उस टाइम कैसे किया मुझे पता नहीं, आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढें, नहीं तो फिर मैं अपनी गलती बताता हूँ क्या गलती है इसमें। पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, दे दिया, एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट जे कैप। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप है, तो ये आपके पास आई कैप है, ये जे कैप है, तो वेलोसिटी कहां पर है, आई कैप प्लस जे कैप है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कम से कम ये बात पक्की है, एंगल 90 नहीं है, पार्टिकल विल नॉट मूव इन अ सर्कल, पार्टिकल विल मूव इन अ हेलिक्स, तो हेलिक्स क्या होगा, ऐसा, क्योंकि हेलिक्स हमेशा कैसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलता है, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताओ, वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल की, जब टाइम 2 पाई एम बाई बी क्यू, यानी कि एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, पिच, आपको पिच बतानी है क्या होगी। अब पिच बताने के लिए मेरे को ऐसा लगता है, ये वी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, एंगल थीटा, ताकि मैं इस तरफ क्या लूँ, वी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या लूँ, वी साइन थीटा। और पिच में क्या टर्म यूज करते हैं, वी कॉस थीटा, तो पिच में यहां पर क्या आना चाहिए, 2 पाई एम बाई बी क्यू टाइम पीरियड इंटू वी कॉस थीटा नहीं आना चाहिए। तो आप प्लीज एक बार देखें कि यहां पर जो मैंने किया
मैंने टाइम पीरियड निकाला, मैंने पिच का फॉर्मूला ये लिख दिया, मैंने कॉस थीटा नहीं लिया, मैंने सीधा क्या लिखा, पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ये लिख दिया, क्या ये गलती है या नहीं है इसमें, या ये ठीक है? ये ठीक है, कैसे ठीक है? तो एंगल क्या बनेगा? पर मैंने तो आपको ये वैल्यू बताई, सही है, मैंने ठीक किया, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स में कितना है, वी नॉट, वेलोसिटी का कंपोनेंट जे में कितना है, वी नॉट, तो अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए जो कि ऑलरेडी वी नॉट ही है, तो सीधा यहां पर क्या पुट कर दिया, वी नॉट, कॉस थीटा पुट करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा सोल्यूशन ठीक है, सही है, सही है, चलो ठीक हो गया, कोई डाउट इसमें? और पिच किस तरफ जाती है, जिस तरफ बी वेक्टर होता है, और बी वेक्टर कहां पर है, जे कैप, तो आंसर किस में आएगा, जे कैप, क्लियर है ऑनलाइन?